अभी मैं निकला था कुछ मदद करने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, बुज़ुर्ग क्या जवान ही है, लेकिन हालात ने उसको बुज़ुर्ग बना दिया। और मैंने कहा कि अपने भाई से कि आप उनके पास लेके चलिए, आप देखेंगे एक माँ है और एक खुद है, माजूर है। निकला था कुछ मांगने के लिए, 20 रुपये मिले पूरे दिन में और पूरे दिन खाना नहीं खाया। हमने एक बस उसको सरप्राइज़ दिया कि सरप्राइज़ क्या, उसको कुछ पैसे दिए जिससे वो अपने घर का राशन चला सके, अपनी माँ बाप अपनी माँ की खिदमत कर सके। इधर 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 तो कहाँ से आ रहे हो ऐसे आप? घर से आ रहे, दवाई लेके आ रहा था। दवाई क्या हो गया आपको? बुखार। बुखार? रात को बुखार चढ़ाता है जी जी, और दिन में उतर जाता है। तो दवाई कहाँ की चल रही है आपकी? रासी गेट पे नहीं है। अच्छा, बाद वो बंद है। दवाई नहीं लाई फिर? नहीं, दवाई कहाँ से लाऊंगा जब बंद होगी। तो घर में और कौन है कमाने वाला? कमाने वाला एक मेरी माँ है, वो पड़ोसी के बर्तन लोग हैं घर में बर्तन मारे। अच्छा, और आप तो कुछ कमाते ही नहीं होंगे? नहीं। तो आप के मांगते हो आप जी? मांगता। अच्छा, तो अब जैसे माहौल चल रहा है तो अभी दे रहा है कोई? अभी कोई नहीं देगा जी, अभी कोई नहीं देगा। कितनी परेशानी हो रही है घर में? घर में तो बहुत, मत पूछो। इस टाइम मेरे को पता है, मेरे खुदा को पता है। घर में राशन वगैरह है? राशन होता तो मैं क्यों आता है? ये सब कुछ बंद है तो फिर भी मैं बाहर निकला हूँ मांगने के लिए, क्यों निकला हूँ ये तो आपको भी पता है। नहीं तो राशन वगैरह आपके पास नहीं है तो फिर कैसे करोगे, कैसे खाना वाना कैसे चल रहा है? रात को ख़त्म हुआ था राशन। हाँ। अच्छा, आप सुबह निकला हूँ तो बंद है सब कुछ। आप देखो किसी ने मेरे को दिए दिए 30 रुपये में क्या होगा बाजार? जो होगा और मांगूंगा। तो आपकी माँ कितने पैसे कमाती है भाई? मेरी माँ? हाँ, महीने में कितने पैसे मिलते हैं मेरे को? महीने छः। नहीं नहीं, आपकी जो माँ है उनको कितने पैसे मिलते हैं महीने में? वो नहीं जा सकती कहीं, वो भी है बहुत। तो आपके भाई वगैरह? नहीं, कोई नहीं। आपके बच्चे? नहीं। शादी हुई आपकी? नहीं। आपकी शादी नहीं हुई? वाकई में राशन नहीं घर पे? सुबह खाना खाया? सुबह चाय पी? नहीं। सच में सुबह चाय नहीं पी? जब बनेगी जमी तो। अभी मेरे को राशन गेट पे रहा तो 20 रुपये किसी ने दिए। हाँ, आपने दिखाया मुझे 20 रुपये। तो मतलब ये क्या हो रहा है आपके हाथों पे? ये आपके जो हाथ पैर है इसमें क्या हुआ है? ये खराब हो गए थे, डॉक्टर ने बुखार में ग्लूकोज चढ़ा दिया था। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो आपके अपाइज तो आप हो। हाँ। लेकिन ये पैरों में किस तरह, ये आपके पैर हो? एलर्जी। कितने सालों से एलर्जी? ये हो गए 5-6 साल। 5-6 साल। तो घर में कोई चाचा ताओ भाई बहन कोई तो होगा? कोई नहीं, एक मैं हूँ और तुम तीन भाई हैं जी। जी, उनकी शादी हो गई, वो अपने बीवी बच्चे लेके अलग हो गए। तो अब इस वक्त आप और आपकी माँ दो रहते दो हैं हम। तो आपकी माँ बूढ़ी है और आप ऐसे मांग के खाते हो? हाँ जी। तो रिक्शा किसने दिया? ये सरकार वालों ने दिया। कितने का राशन आ जाएगा आपको? मेरे यहाँ से आ जाता है महीने का तो 400-500 रुपये का आ जाता है। 400-500 का आ जाता है? हाँ। दोनों खा लेते हो आप? हाँ, खा लेते हैं। अच्छा, परेशानी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा भाई साहब, मत मानो वो इतनी है बहुत ज़्यादा। अब दवाई कैसे लोगे? अब दवाई क्या, मत पूछो। डॉक्टर ने बोल दिया कि ज़्यादा है, और पड़ोस वाले से एक डॉक्टर तो मेरे को फिर भी दे देता है, राशि डॉक्टर है वो, फिर भी दूसरे से बोला दिखाया। अच्छा, एक चीज़ भी देखी मैंने, आपको इतनी परेशानी लेकिन आप फिर भी हंसते रहते हो, खुश रहते हो। क्या करें, किसी को दिखाने से कोई देगा नहीं और मेरी वो
यही सिखाया है, बेटा किसी के आगे मत रो, खुदा के आगे रो के दिखाओ। तो 500 रुपये में हो जाएगा आपका राशन? हाँ जी, राशन कर जाएगा पक्का। एक आ जाएगा तो इसके बाद ऊपर वाला गाड़ी चलाएगा। आगे रमजान भी तो है ना? हाँ जी हाँ जी। एक दो तीन चार, कितने पैसे हैं भाई? 2000 रुपये हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, इसमें तो मेरे कपड़े भी बन जाएंगे और मेरी माँ के भी कपड़े बन जाएंगे और आप सोचा था कोई रुकेगा रोड पे रख के आपको पैसे देगा? नहीं सोचा था। ये तो बस ऊपर वाला रात में ईमानदारी से मैं भूखा सोया था। भूखे सोई थे रात में? रात में भूखा सोया क्योंकि घर में आटा नहीं था जी, घर में आटा नहीं था। यार दोस्तों ने मुझे खिला दिया, अभी तुम खा लो। मैंने अपनी माँ को दे दिया लेकिन मैंने नहीं खाया। तो अल्लाह ने देखो अब कैसे भेज दिया तुम्हारे पास में, मदद भेजी ना तुम्हारी? तो ऊपर वाले ने भेज दी मेरे को, अल्लाह बहुत बड़ा वास्ता है। चलो ख्याल रखना अपना, ठीक है? अपना ख्याल रखना, अपनी माँ का ख्याल रखना। ये आपकी माँ का, ये जो खिदमत करते हो ना आप अपनी माँ के, ये उनकी दुआओं का असर है कि अल्लाह ताला आपकी मदद भेज रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद किया करो, ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। ये ऐसे वक्त में मांगने निकलते हैं लेकिन इनको नहीं मिलता और घर में फाके गुजरते हैं ऐसे लोगों के। और कुछ लोग खुददार भी होते हैं जो नहीं मांग सकते, तो चुपचाप ही सही रात के अंधेरे में उनकी मदद कर दिया करो, बंद दरवाज़ों के नीचे से कुछ पैसे डाल दिया करो, क्योंकि ऐसे लोग खुददार हैं, मर जाएंगे लेकिन मदद नहीं लेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि दिखा के भी मदद करो, छुपा के भी मदद करो। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां हमें अपने कैमरे घर पर रखने पड़ते हैं, तो आप अपने मोबाइल को घर पर रखिए, चुपचाप उनकी मदद कीजिए, रात के अंधेरे में मदद कीजिए, लेकिन उनकी मदद बहुत ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमेशा हमेशा गरीबों की मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।